कि कोई भी तत्व, चाहे वो भौगोलिक हो, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे मानवीय हो, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, सभी क्या होंगे, एक दूसरे से अंतर संबंधित होंगे, अर्थात कोई भी तत्व आत्मनिर्भर या स्वतंत्र अवस्था में नहीं होगा। दूसरे यहाँ पे अपन बात करें, फ्रेडरिक रेडजेल ने बहुत अच्छी परिभाषा पार्थिव एकता के सिद्धांत का समर्थन करते हुए अपनी रचना भौगोलिक वातावरण के प्रभाव में उन्होंने कहा है कि मानव के विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन वैज्ञानिक रूप से उस पृथ्वी के बिना नहीं किया जा सकता जिस पर वह निवास करता है, यात्राएं करता है तथा व्यापार करता है। अर्थात कुमारी सैंपल के शब्दों में यदि बात की जाए तो कुमारी सैंपल मानव भूगोल में पार्थिव एकता के सिद्धांत का समर्थन करते हुए जो बात कहती है, बहुत अच्छी बात कुमारी सैंपल ने कही कि मानव के विभिन्न क्रियाकलाप, मानव के विभिन्न क्रियाकलापों का अर्थ लिया जाता है मानवीय क्रियाओं से। अब मानवीय क्रियाओं की बात करें तो प्राथमिक आर्थिक क्रिया जिसमें वो उत्पादन करता है, द्वितीयक आर्थिक क्रिया जिसमें वो निर्माण करता है, तृतीयक आर्थिक क्रिया जिसमें वो व्यापार करता है। तो चाहे वो उत्पादन संबंधी कार्य करता हो, चाहे वो निर्माण संबंधी कार्य करता हो, चाहे वो व्यापार संबंधी कार्य करता हो, मानव वो अपनी क्रियाओं को करने के लिए वो किस पर निर्भर करेगा, पृथ्वी पर, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से उस पृथ्वी के बिना नहीं किया जा सकता। मानव की क्रियाओं का अध्ययन ही, चाहे उत्पादन संबंधी क्रिया हो, चाहे निर्माण संबंधी क्रिया हो, चाहे व्यापार संबंधी क्रिया हो, उसका अध्ययन उस पृथ्वी के बिना, पृथ्वी का यहाँ पे देखो अर्थ लिया जाता है प्रकृति से, प्राकृतिक शक्तियों से, भौतिक शक्तियों से, भौगोलिक दशाओं से। तो मानव की कोई भी क्रिया किस अवस्था में नहीं है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं है, उसको किस पर निर्भर रहना पड़ेगा, वातावरण पर निर्भर रहना पड़ेगा, उस पृथ्वी पर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना मानव न तो निवास कर सकता, न यात्राएं कर सकता, न व्यापार कर सकता। अर्थात कोई भी क्रिया बिना पृथ्वी के, बिना प्राकृतिक वातावरण के सहयोग के संभव ही नहीं है। अगली बात करें तो हम्बोल्ट जो मानव भूगोलवेत्ता है, जिन्होंने अपनी रचना कोसमोस में बहुत अच्छी परिभाषा पार्थिव एकता के सिद्धांत का समर्थन करते हुए कही, उन्होंने कहा है कि संपूर्ण पृथ्वी में एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक एक ही आत्मा व्याप्त है। अर्थात दूसरे शब्दों में यदि बात की जाए हम्बोल्ट के शब्दों में, तो उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक, उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक एक ही जीव के दर्शन होते हैं, एक ही जीव के दर्शन होते हैं। इसका अर्थ लिया जाता है कि संपूर्ण पृथ्वी कि जो क्रियाएं हैं, जो वातावरण है, पर कह सकते हैं प्राकृतिक है, मानवीय है, या धरातल पर जो भी गतिविधियां संपन्न हो रही हैं, वो एक दूसरे से अंतर संबंधित है, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक एक ही आत्मा के रूप में व्याप्त है, एक ही आत्मा के रूप में, एक ही जीव के रूप में व्याप्त है। क्योंकि किसी भी जीव का जो जीवन है वो किस पर निर्भर करेगा, प्राकृतिक दशाओं पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि उसका प्रभाव उस पर माना जाता है। तो हम्बोल्ट के शब्दों में यदि बात की जाए तो संपूर्ण पृथ्वी के प्राकृतिक और मानवीय जो भी तथ्य हैं वो एक दूसरे से अंतर संबंधित है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक एक ही आत्मा व्याप्त है, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक एक ही जीव के दर्शन होते हैं। अगली बात करें बरगहोस। बरगहोस ने अपनी रचना फिजिकल एटलस में जलवायु और वनस्पति के संबंध को स्पष्ट किया है। अब आप देखिए यहाँ पे ब्रह्मोस बहुत अच्छी बात कहता है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक वनस्पति का जो विकास है, या प्राकृतिक वनस्पति का जो संगठन है, जो संरचना है, जो प्राकृतिक वनस्पति की जो प्रजातियां हैं, वो किसका परिणाम मानी जाती है, जलवायु का। यदि अपन सामान्य शब्दों में बात करें तो मानव या मानवीय क्रियाओं को या जैविक कारकों को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला प्राकृतिक जो कारक माना जाता है वो किसको माना जाता है, जलवायु को माना जाता है। अब प्राकृतिक वनस्पति का जो विकास है, चाहे वो उष्ण कटिबंधीय हो, चाहे शीतोष्ण कटिबंधीय हो, चाहे शीत कटिबंधीय वन हो, चाहे मानसूनी वन हो, चाहे सदाबहार वन हो, चाहे पतझड़ वन हो, या शीतकालीन या टुंड्रा प्रदेश की छोटी मोटी वनस्पति हो, चाहे कोणधारी वन हो, तो प्राकृतिक वनस्पति का जो विकास है वो पूर्ण रूप से किसका परिणाम माना जाता है, जलवायु का। जलवायु अर्थात तापमान, वर्षा, आर्द्रता का परिणाम माना जाता है, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति के विकास के लिए पर्याप्त तापमान और पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है। अब ये तो बात हो गई कि जलवायु है वो किसको प्रभावित कर रही है, वनस्पति को। अब वनस्पति कैसे जलवायु को प्रभावित करती है, जहां प्राकृतिक वनस्पति की प्रधानता होगी वहां वर्षा अधिक होती है,
क्योंकि जो वन है वो वर्षा को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम माने जाते हैं। तो प्राकृतिक जो वनस्पति है या प्राकृतिक वनस्पति की जहाँ पे प्रधानता है वहां धरातल का तापमान कम होगा, वायुमंडलीय तापमान अधिक हो सकता है लेकिन धरातल का जो तापमान है वो कम होगा, वहां नमी अधिक होगी, आर्द्रता अधिक होगी। उदाहरण के तौर पर यदि अपन बात करें तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहाँ तापमान अधिक होता है वहां प्राकृतिक वनस्पति की प्रधानता है, वहां वर्षा की भी प्रधानता है। तो प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित माने जाते हैं। अगली अपन बात करते हैं विडाल डी लाबलास, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है जिन्होंने अपनी रचना अजेंट में पार्थिव एकता के सिद्धांत का समर्थन करते हुए बहुत अच्छी बात कही है। इन्होंने कहा है कि एक देश के राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन वहां के प्राकृतिक मानचित्र के साथ ही किया जा सकता है। कि किसी भी देश के राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन यदि आपको करना हो, राजनीतिक मानचित्र का अर्थ लिया जाता है उस क्षेत्र की सीमाओं का यदि आपको अध्ययन करना हो, उसके क्षेत्र का यदि अध्ययन करना हो, तो राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन करने के लिए या राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन केवल किसके साथ, प्राकृतिक मानचित्र। प्राकृतिक मानचित्र का अर्थ लिया जाता है वहां की प्राकृतिक दशाओं से, वहां की भौगोलिक दशाओं से, वहां की धरातलीय संरचना से। तो किसी भी देश के प्लास के शब्दों में यदि बात करें तो किसी भी देश के राजनीतिक मानचित्र का जो अध्ययन होगा या राजनीतिक दशाओं का जो अध्ययन होगा वो किसके साथ किया जा सकता है, प्राकृतिक दशाओं के साथ किया जा सकता है। तो ये तो बात आती है कि पार्थिव एकता का जो सिद्धांत है जिसको अपने अंतर संबंध का सिद्धांत कहा। तो पार्थिव एकता का सिद्धांत मूल रूप से जो बात कहता है कि पृथ्वी के सभी तत्व चाहे प्राकृतिक हो चाहे मानवीय हो, वो सभी तत्व एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे के प्रभाव का जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है, पार्थिव एकता में किया जाता है। पार्थिव एकता के सिद्धांत को जैसा आपने कहा कि अंतर संबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है। बहुत अच्छी परिभाषा आपने फ्रेडरिक रेटजेल के शब्दों में बात करी कि वातावरण के सभी तथ्य चाहे भौगोलिक हो चाहे मानवीय हो, प्राकृतिक हो, जड़ हो, चेतन हो, एक दूसरे से अंतर संबंधित होंगे। कुमारी सेमपोल ने बहुत अच्छी बात कही कि मानव की क्रियाकलापों का अध्ययन उस पृथ्वी के बिना नहीं किया जा सकता जिस पर वो व्यापार करता है, यात्राएं करता है, निवास करता है। हम्बोल्ट ने अपनी रचना कोस्मोस में बहुत अच्छी बात उन्होंने कही और जिससे उन्होंने पार्थिव एकता के सिद्धांत का समर्थन किया कि संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही जीव के दर्शन होते हैं, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी में एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक एक ही आत्मा व्याप्त है। प्रगोस ने बहुत अच्छी बात कही अपनी रचना फिजिकल एटलस में कि जलवायु और वनस्पति दोनों एक दूसरे का परिणाम है। प्लास ने बहुत अच्छी परिभाषा अपनी रचना अजेंट में दी, उन्होंने कहा है कि एक देश के राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन वहां के प्राकृतिक मानचित्र के साथ ही किया जा सकता है, अर्थात पृथ्वी का कोई भी तत्व किस अवस्था में नहीं है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं है। क्रियाशीलता के सिद्धांत की यदि बात करें तो क्रियाशीलता सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का कोई भी तत्व स्थिर अवस्था में नहीं होगा। पार्थिव एकता के सिद्धांत की यदि बात की जाए, जैसे कि अभी अभी अन्य विस्तार से बात की, तो पार्थिव एकता के सिद्धांत के सार की यदि अपन बात करें तो पृथ्वी का कोई भी तत्व स्वतंत्र अवस्था में नहीं है, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो मानवीय हो, सभी तत्व किसके रूप में होंगे, अंतर संबंधित होंगे। इसलिए पार्थिव एकता के सिद्धांत को अंतर संबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये अपना मानव भूगोल के सिद्धांतों का दूसरा सिद्धांत, मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांतों में दूसरे सिद्धांत की अपन ने बात की, पार्थिव एकता के सिद्धांत।